गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई एम अनुराधा राजपूत योर साइंस टीचर एंड टुडे आई विल टीच यू चैप्टर नंबर फिफ्टीन एयर अराउंड अस। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फिफ्टीन साइंस का जिसका नाम है एयर अराउंड अस। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज एयर एयर क्या होती है सो एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस जो एयर होती है वो अलग अलग गैसेस का डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर होती है नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एयर ईयर की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं इट इज़ अ कलरलेस इट हैज़ नो कलर एंड टेस्ट इट इज़ ट्रांसपेरेंट वी कैन सी थ्रू इट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस इट फिल्स ऑल द स्पेस इन अ कंटेनर विच इज अदरवाइज एम्पटी एंड सीम्स टू बी एम्पटी जो एयर होती है वो कलर लेस होती है मतलब इसका कोई कलर नहीं होता है ना कोई टेस्ट होता है ये ट्रांसपेरेंट होती है और जो एयर एक ऐसा मीडियम है जिसकी हेल्प से हम चीज़ों को देख सकते हैं एयर ऑक्यूपाइज स्पेस एयर जगह को घेरती है एंड एक अगर हम कंटेनर लें तो वो उसमें फिल रहेगी अदरवाइज़ वो एमपटी होगा हमें भले ही कोई कंटेनर खाली दिखाई देता है बट एक्चुअल में होता क्या है उसके अंदर एयर होती है ना वाट इज़ कम्पोजिशन ऑफ एयर एयर की कंपोजिशन क्या है तो एयर इज़ नॉट वन सब्सटेंस इट बट इज़ अ मिक्सचर एयर कोई एक सब्जेक्ट एक कोई एक सब्सटेंस नहीं है बल्कि यह एक मिक्सचर है गैसेस का और इसमें गैसेस होती हैं वाटर वेपर होते हैं और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं द गैसेज इन द एयर आर मेनली नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम अदर गैसेस जो एयर होती है उसमें सेवेंटी एट परसेंट नाइट्रोजन ट्वेंटी वन परसेंट ऑक्सीजन और वन परसेंट अदर गैसेज होती हैं जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है अब वाट इज़ स्मोक स्मोक क्या होता है सो स्मोक कंसिस्ट ऑफ फाइन कार्बन पार्टिकल्स एंड सम गैसेज स्मोक इज प्रोड्यूस्ड बाई बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक वुड कैरोसिन पेट्रोल डीजल एक्सेट्रा स्मोक इज ऑलवेज हार्मफुल जो स्मोक होता है वो फाइन कार्बन पार्टिकल्स और कुछ गैसों से मिलकर बना होता है और ये फ्यूल्स को जलाने पर प्रोड्यूस होता है जैसे कि वुड कैरोसिन पेट्रोल एंड डीजल और जो ये स्मोक होता है धुआं ये हमेशा हार्मफुल या हानिकारक होता है विंड मिल विंड मिल क्या होती है अ विंड मिल इज़ अपरेटर्स विच इज रोटेड बाई विंड इट इज यूज टू ड्रॉ वाटर फ्राम टू वेल्स रन फ्लोर मिल्स एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी जो विंड मिल होती हैं वो एक ही एपरेटस होती हैं जो कि हवा के जरिए घूमती हैं और इसका यूज़ ट्यूबवेल से पानी निकालने आटा चक्की चलाने और बिजली पैदा करने में किया जाता है यूजेस ऑफ एयर एयर के क्या यूजेस होते हैं तो एयर हेल्प्स इन द मूवमेंट्स ऑफ सेलिंग याचर्ट्स ग्लाइडर्स पैराशूट्स एंड एयरप्लेन्स बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स कैन फ्लाई ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर इट इज आल्सो हेल्प्स इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड पोलन ऑफ फ्लावर्स ऑफ सेवरल प्लांट्स एयर आल्सो प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द वाटर साइकिल जो एयर होता है उसका यूज़ क्या क्या होता है तो ये याचिट को चलाने में ग्लाइडर्स पैराशूट ये सब किसकी हेल्प से चलते हैं एयर की हेल्प से जो बर्ड्स और इंसेक्ट होते हैं वो भी सिर्फ इसलिए फ्लाई कर सकते हैं क्योंकि एयर होती है अगर एयर ना हो तो वो फ्लाई नहीं कर सकते है. जो एयर होती है वो डिस्पर्सल ऑफ सीड्स ऑफ पोल्स ऑफ फ्लावर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करती है डिस्पर्सन का काम करती है क्योंकि तो जब तेज़ हवा चलती है तो फूलों के पोलन ग्रेन्स या बीज जो होते हैं वो उड़कर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और एर, वाटर साइकिल में भी एक इम्पॉर्टेंट रो रोल प्ले करती है Now, the term time of question answers of this chapter. The first question is What is the composition of air? The answer is air comprised of water vapor, oxygen, nitrogen, carbon dioxide, dust, and smoke. Which gas in the atmosphere is essential for respiration? So, ऑक्सीजन इन द एटमोसफियर इज इसेंशियल फॉर रेस्पायरेशन जो ऑक्सीजन होती है एटमोसफियर में वो रेस्पायरेशन के लिए जरूरी होती है हाउ विल यू प्रूव दैट एयर सपोर्ट्स बर्निंग हमें कैसे प्रूव करेंगे जो एयर है वो बर्निंग में सपोर्ट करेगी सो टेक अ कैंडल एंड प्लेस इट इन अ टब लाइट द कैंडल एंड फिल द टब विद वाटर The candle starts growing after some time. Now cover the candle with an inverted glass. You will find that the candles blow out after burning of some time, and the water level inside the inverted glass rises to some extent. The component oxygen of air inside the glass is used up in burning. Therefore, water occupies the space. This shows that air supports burning. इसके लिए हम क्या करेंगे एक कैंडल लेंगे और उसको एक टब में रखेंगे उस कैंडल को जलाएंगे उस टब में पानी भरेंगे और जब वो जलना शुरू करेगी तो उसको एक कांच ग्लास से ढक देंगे और फिर हम देखेंगे कि कुछ देर तक तो वो कैंडल है वो जलती जाएगी लेकिन फिर कुछ देर बाद वो बुझ जाएगी उसके बाद जब हम उसको देखेंगे तो देखेंगे जो ग्लास है उसमें वाटर का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है ऐसा इसलिए होता है कि जो ग्लास के अंदर जो ऑक्सीजन थी एयर थी उसको बर्निंग में यूज़ किया गया कैंडल के द्वारा और जब वो यूज़ हो गई तो वहाँ पे जो स्पेस था वो खाली हो गया और उस स्पेस को वाटर के द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया गया हाउ विल यू शो दैट एयर इज़ रिजॉल्व इन वाटर हम एक ऐसे शो करेंगे कि जो एयर वाटर में डिज़ोल्व होती है तो इसके लिए भी एक हम प्रैक्टिकल करेंगे हीट द टम्बलर फिल्ड विद वाटर बिफोर दे स्टार्ट बॉयलिंग बबल्स ऑकर दिस बबल्स आर ड्यू टू एयर प्रजेंट इन वाटर दिस एक्सपेरिमेंट कंक्लूड्स एयर इज प्रजेंट इन द वाटर अगर हम एक टम्बलर लें बर्तन लें उसमें पानी डालें और उसको गर्म करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं इससे हमें ये पता चलता है कि जो वाटर है उसमें एयर प्रेजेंट होती है और इसीलिए उसमें बबल्स बनते हैं वाई डज अ लम्प ऑफ कॉटन वूल श्रिंक इन वाटर जो कॉटन वूल होती है वो श्रिंक क्यों हो जाती है द लेयर ऑफ द लम्प ऑफ कॉटन वूल श्रिंक इन वाटर बिकॉज the एयर इनसाइड the cotton lumps आर रिप्लेस by वाटर विच मेक्स अ लेयर स्टिक टुगेदर जो कॉटन वूल होती है उसका जो लम्प होता है उसमें क्या होता है कि ईयर होती है इसलिए वो फूली हुई लगती है लेकिन जब हम उसको वाटर में डालते हैं तो वाटर उसके अंदर चला जाता है और वो श्रिंक हो जाती है क्योंकि उसमें से ईयर निकल जाती है सिक्स दल लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज नोन एज डैश जो अर्थ के चारों ओर एयर की जो लेयर होती है एयर की लेयर तो उसको क्या कहा जाता है तो उस लेयर को हम बोलते हैं एटमोसफेयर द कॉम्पोनेंट ऑफ एयर यूज बाई ग्रीन प्लांट्स टू मेक दियर फूड इज वो कौन सा कंपोनेंट है एयर का जिसका यूज ग्रीन प्लांट अपना खाना बनाने में करते हैं तो वो कंपोनेंट है कार्बन डाईऑक्साइड क्वेश्चन नंबर एट लिस्ट फाइव एक्टिविटीज़ दैट आर पॉसिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर वो कौन सी फाइव एक्टिविटीज़ हैं जो एयर की प्रेजेंस की वजह से ही पॉसिबल हैं तो फर्स्ट इज़ फोटोसिंथेसिस, सेकंड क्लाउड फॉर्मेशन थर्ड रेस्परेशन फोर्थ ट्रांसप्रेशन एंड फिफ्थ इज फिनोइंग ये वो फाइव एक्टिविटीज़ हैं जो एयर की प्रजेंस की वजह से ही पॉसिबल है। हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प ईच अदर इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। द आंसर इज प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड टू गिव आउट ऑक्सीजन दिस ऑक्सीजन इज़ यूज बाय एनिमल्स फॉर रेस्परेशन टू एक्सपेल आउट कार्बन डाइऑक्साइड दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज बाय प्लांट्स टू प्रिपेयर फूड दिस वे प्लांट्स एंड एनिमल हेल्प इच अदर इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एटमॉसफेयर जो प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं और इस ऑक्सीजन का यूज एनिमल्स और ह्यूमन रेस्पायरेशन में करते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं और यही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के द्वारा खाना बनाने में या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में यूज़ करी जाती है तो इस तरीके से जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में वो कंटिन्यू चलता रहता है और प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं थैंक यू